गुड इवनिंग सबको चिबाए और मैं आप सबको आज शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं थोड़े दिन के बाद फेसबुक लाइव में आया हूँ और आज आपको एक बात कहने के लिए आया हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि इलेक्शंस ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और कल 19 तारीख को फर्स्ट फेज इलेक्शन आ रहा है। मैं त्रिपुरा के वोटर्स को, जो तिपरासा है, जो जनरल कम्युनिटी से है, हर कम्युनिटी को, हर जाति को अपील करना चाहता हूं कि कल अपने घर से निकलिए और जल्दी जाकर सवेरे ही अपना वोट कास्ट कीजिए। मैं खुद कल सवेरे मंदाई जाकर अपना वोट कास्ट करूंगा, मॉर्निंग में ही करूंगा। और मैं अपने लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, जब भी आप वोट करेंगे सोच समझ के कीजिए। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमें कौन आज के दिन हेल्प कर सकता है। ये बात क्लियर है कि मैं आपको अपने दिल से अपील करना चाहता हूं कि आप सोच समझ के अपना वोट दीजिए। अगर तिपरासा को आगे बढ़ना है, अगर हमारे इंडिजिनस लोगों का भविष्य को सिक्योर करना है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। और मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के दिन सिर्फ एक ही पार्टी बना सकती है। आप समझदार हैं, आप जानते हैं, लेकिन सही लोगों को सही टाइम में इलेक्ट करना हमारे ही। मैं जानता हूं कि बहुत लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो भी किया है अपने इंटरेस्ट में नहीं किया है, अपने कम्युनिटी को। और यहां में हमने देखा है कि एक पार्टी ने हमें 25 साल तक राज किया, एक पार्टी बार बार एमपी बने उसी के पार्टी के, लेकिन हमारे लिए किसी ने बात नहीं किया। ना ईस्ट त्रिपुरा से किसी ने बात किया, ना वेस्ट त्रिपुरा से किसी ने बात किया। आज मौका मिला है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो जिसके दिल में तिपरासा के लिए थोड़ा सा प्यार, हमदर्दी हो। मैं जानता हूं कि आप निकलेंगे और एक सही जवाब देंगे उन लोगों को जिन्होंने अलायंस किया है अपने फायदे के लिए, अपने खुद के सीट के फायदे के लिए। मेरा अलायंस है अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, हमारे बच्चे का, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर करने के लिए। इनका अलायंस है अपने सीट को बचाने के लिए, पूरे पार्टी को बेच देने के लिए। तो आप जानते हैं कौन त्रिपुरा का भला चाहता है और कौन खुद का भला चाहता है। मैं आपको और कुछ नहीं बोलूंगा, कल मैं मंदाई में सवेरे निकलूंगा। मैं अपने तिपरासा लोगों को बोलता हूं, आप लोग जानते हैं कि किस साइड आपको वोट करना है, अपने दिल से कीजिए, आपका अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है। और कोई कुछ भी आपको बोले, डोंट वरी, आई एम विथ यू। ट्रस्ट is very important and so is unity. And if we want to remain united, we have to think from our head, we have to be wise and we have to be pragmatic. And the truth is that today only the government of India can help us. Those who want to mislead us, those who want to misguide us have done so for 25 years. They have an understanding somewhere else and they have hatred for each other somewhere else. And in Tripura, they pretend to be friends, while in Kerala, they pretend to be each other's enemies. A party which has made its alliance for opportunism, for the safety and security of two or three seats, can never be a party which thinks about its people or its party men. We have made an alliance after a constitutional right was given to us in writing, and yes, we shall prevail if we remain united.
I once again want to wish everyone a happy career in advance, and also मैं अपने सब तीप्रसा को बोलना चाहता हूँ, अपना बच्चे के बारे सोचिए, अपना भविष्य के बारे सोचिए। जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया पहले, वो आने वाले दिन में भी हमें कुछ नहीं देगा। इस बार आपको कौन हमारा दुश्मन था और कौन हमें कल कुछ दे सकता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँ। इम्पोर्टेंट, प्लीज सेलिब्रेट डेमोक्रेसी बाय वोटिंग।